नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि इंडियन रेलवे की जो मिल्क वैन होती है उसमें दूध कहां से आता है और कहां जाता है, इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे के मिल्क वैन से जुड़ी सारी चीजों को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूध का उत्पादन करती हैं, जैसे कि अमूल, सुधा। ये सारी कंपनियां जो हैं, इनका एक जगह कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर छोटे छोटे जो किसान होते हैं वह दूध को लाते हैं और ये जो कंपनियां हैं उन्हें अच्छे तरीके से पैकिंग वगैरह करके लोगों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर किसान लोग, जो छोटे छोटे किसान जो भी होंगे, वो बहुत बड़ी मात्रा में दूध को लाते हैं और इस तरीके से इन कंपनियों का हर बड़े बड़े सिटी में फ्रेंचाइजी होता है या वेयर हाउस होता है, जहाँ पर दूध को पहुँचाया जाता है और उस तरीके से उस बड़े बड़े सिटी से लोगों तक दूध पहुँचता है। तो इस तरीके से एक चेन बना हुआ है जिससे जो भी कंपनियाँ हैं अपने पूरे भारत में फ्रेंचाइजी को बनाकर दूध को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पर जो दूध उत्पादन कंपनियां हैं, इनका जो दूध का उत्पादन है या फिर इनका जो प्लांट है कहीं एक जगह स्थित है और वहां से शहर के सभी जगहों पर दूध पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में दूध चाहिए, जिसे एक साथ भेजा जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया में दो चीजें शामिल है जिसके थ्रू ये जो प्रोसेस है किया जाता है। पहला जो है रोड के माध्यम से और दूसरा जो है ट्रेन के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो खराब हो सकते हैं और यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए इन्हें पहुंचाना बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए ये जो कंपनियां हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का सहारा लेती है, क्योंकि रेलवे के माध्यम से दूध को 24 घंटे के अंदर किसी भी दूसरे सिटी में पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर भारतीय रेलवे इस तरीके का मिल्क वैन डिजाइन की है, जिसमें दूध को रखकर कोई भी जो दूध बनाने वाली कंपनी है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से किसी भी बड़े सिटी के वेयर हाउस या फिर फ्रेंचाइजी तक अपने दूध को पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि इसके लिए भारतीय रेलवे के तरफ से मिल्क वैन या टैंकर बनाया गया है, जो कि स्टेनलेस स्टील का एक टैंकर होता है और इसकी खासियत यह होती है कि इसकी जो बॉडी होती है वह पूरी तरह से इंसुलेटेड होती है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर जो भी हो, अंदर का जो टेम्परेचर होता है वह एक समान होता है, जिसके कारण इसके अंदर रखा दूध खराब नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो कंपनियां हैं इस तरीके से मिल्क वैन में लोड करके या फिर कहिए इसमें दूध को रख कर और दूसरे सिटी तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, ये जो मिल्क टैंकर होता है इसमें 44,400 लीटर कैपेसिटी इसकी होती है। इतना दूध एक बार में एक टैंकर में आता है और उसमें लोड करके उसे सिटी के जो भी उनका वेयर हाउस या फिर फ्रेंचाइजी है वहां तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसके लिए प्रक्रिया क्या है कि जो भी कंपनी है वो अपने ट्रक के माध्यम से दूध को उसमें लोड करती है और उसे रेलवे स्टेशन तक लाया जाता है। फिर रेलवे स्टेशन पर आने के बाद ट्रक से पंप के द्वारा इस वैन में या फिर टैंकर में दूध को रखा जाता है और यहाँ पर इस टैंकर को किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन या फिर डेडिकेटेड लोकोमोटिव के द्वारा अगर जरूरत पड़ी तो उसे दूसरे जगह जहाँ पर उसकी डिमांड है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों, अक्सर इसे किसी सुपर फास्ट ट्रेन के पीछे लगा दिया जाता है ताकि यहाँ पर उसका स्टॉपेज कम हो और वह जल्दी से जल्दी उसे जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाए। यहाँ पर मिल्क वैन को कभी भी गुड्स ट्रेन के साथ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि गुड्स ट्रेनें बहुत समय तक कहीं भी खड़े रह सकती है और ऐसे में सारा दूध खराब हो सकता है। इसीलिए इन्हें कोशिश यही की जाती है कि पैसेंजर ट्रेन या फिर ज्यादा जरूरी होने पर डेडिकेटेड लोकोमोटिव के द्वारा भेजा जाता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे की जो मिल्क वैन होती है उसमें दूध कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।